अपने वक्त के इमाम को कितना दर्द कर रहा हो, वो भी तो वही है। अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखर मोहम्मद, सारे एक ही हैं और सारे जलवे, सारी खसूसियात उस आखिरी में पोशीदा है, जिसका नाम भी वो हो, जिसकी गुफ्तगू सब कुछ उसी के अंदर है, कायनात उसका इंतजार कर रही है। खुद कनेक्शन है वक्त के इमाम काज़ी सैयदा से, पूरी दुनिया इमाम को इंतज़ार कर रही है, पूरी दुनिया इमाम के लिए इमाम की तरफ देख रही है, इमाम कहाँ से आएंगे। और इमाम क्या फरमा रहे हैं आखिरी, मेरे लिए रसूल खुदा की बेटी रोल मॉडल है, उस्वा हसना है। रसूल इमाम फरमा रहे हैं आखिरी इमाम में कि रसूल की बेटी मेरे लिए उस्वा हसना है। तो क्या मैं इमाम जब उनको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, तो क्या मैंने हज़रत सईदा को अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाया? इबादत, माशरत, फैमिली, ये सारे कामों में कहाँ मेरी ज़िंदगी में हज़रत सईदा है? अब बोले वो खातून थी तो ख़वातीन के लिए होंगी ना, खूब सबके लिए रोल मॉडल है। जब इमाम ज़माना के लिए रोल मॉडल है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती है रोल मॉडल? ख़वातीन तो दर्जा उला उनको रोल मॉडल बनाना है इनको, लेकिन हमारे लिए भी तो रोल मॉडल हो। तो मैं क्या, खूब मैंने तो छोटे से तालिबे इल्म में हम में जो है बीबी ने कायम किया अपने वक्त के इमाम के लिए, चलो मैं इसी में रोल मॉडल बन जाए मेरे लिए कि मैं भी अपने वक्त के इमाम के लिए कायम करूँ। जहाँ उन्होंने वक्त के इमाम के लिए दरवाजे खटखटाए विलायत अली को बोलने के लिए, तो मैं भी कुछ दरवाजे वक्त के इमाम की विलायत के लिए खटखटाऊँ कि इमाम के लिए क्या कर रहे हैं आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मिलें, बैठें, बात करें। गुफ्तगू का महवर इमाम होना चाहिए। करबला हो रही हो और इंसान अपनी ज़िंदगियों में मशगूल हो तो कैसा फिर इमाम? इमाम करबला में प्यासा है और लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, तो आप समझते हैं तवाफ कबूल थे क्या? वो इबादतें कबूल थी क्या? कबूल कैसे थी जब वक्त का इमाम तन्हा है उधर? तो अभी इमाम को क्या चाहिए मुझसे और आपसे, और मैं अपनी ज़िंदगी मसरूफ हूँ। जितना इमाम जिंदगी में होगा उतना वजूद इमाम में पैवस्त होता जाएगा। गुफ्तगू में इमाम है, अमल में इमाम है, मेरी हरकात और सकनात में इमाम है, मेरी सोच क्या इमाम की अतात पर है कि नहीं है, मेरे अंदर के अहवालात क्या इमाम की तरफ है कि नहीं है। मैं तो जब अपने आप को देखता हूँ, कहता हूँ जब लोगों में बैठा होता हूँ मैं अच्छी बातें करता हूँ, अकेले में पता नहीं क्या होता हूँ, तन्हाई में पता नहीं क्या होता हूँ। वो हालतें क्या मैं इमाम से कनेक्ट करती हैं? अगर इंसान अतात परवरदिगार से जितना दूर है उतना इमाम से दूर है, याद रखिए। जहां इंसान की आंख ने गलती की उतना इमाम से दूर हो गया, जितना इंसान की जबान ने गलती की इमाम से दूर हो गया, जितना इंसान गलती करेगा इमाम से दूर हो जाएगा। ये उनका करम है कि हम रस्ते हुए गिरों को उठा लेते हैं।